हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, नहीं हो सकता। माउंटेनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता पैर। हर किसी ने यही बात बोला, क्योंकि उनको सिर्फ मेरा पैर दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर में क्या आग जल रही थी वो तो पता ही नहीं था, वो तो पता ही नहीं था उनको, वो सिर्फ उतना देख रहे थे। तो मैंने, देखिए जब भी कभी लाइफ में कुछ अच्छा काम करने जाते, कुछ ऐसे आपके साथ, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते, कुछ ऐसे होते हैं जो खींच के अपने बराबर ला खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये आपको डिसाइड करना होता है। देखिए दो प्रकार, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव वो जो बोल रहा है आपके ऊपर, आलोचनाएं भी बहुत तरीके की, जैसे मेरी आलोचनाएं भी बहुत तरीके की आपकी होंगी। अब आप उस उन आलोचनाओं को निगेटिव में लेते हो या पॉजिटिव में लेते हो या चैलेंज के रूप में लेते हो। मैंने अपनी हर निगेटिव, जिन लोगों ने निगेटिव बातें मुझे बोली, मैंने हमेशा चैलेंज के रूप में लिया है। मैंने जब जब मुझे लोग बोलते थे कि रिमान तुम मान लो इस बात को कि तुम्हारा पैर नहीं है, कुछ कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया कि लंगड़ी हो गई, दिमाग भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, मैंने हर बार उनको एक चैलेंज के रूप में लिया। अपने मन में, उनसे कभी नहीं बोलने गए, लेकिन अपने मन में डिसाइड कर लिया, ठीक है एक दिन ऐसा आएगा हम मजबूर कर देंगे आपको कि आप आके मुझसे बोलेंगे कि हाँ अरुणिमा तुम्हें वो बात थी कि तूने कर दिखाया। तो ये सिर्फ आपके ऊपर होता कि वो अगर निगेटिव बोल, वो तो बोल ही रहा है निगेटिव, आपको किस रूप में लेना है, आप उसको कन्वर्ट करके चैलेंज में ले लो। मैंने चैलेंज में लिया हर किसी की, क्योंकि सबसे बड़े साथी तो मेरे वही थे। हाँ फिर इतना ही नहीं, अभी भी चैलेंज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं बहुत खुश थी, चारों तरफ वो ब्लू और ग्रीन आइस, बहुत पुराने पुराने दिखने में वो ब्लू दिखता, जितना सुंदर है उतना कठिन। हील मार मार के मैं नीचे आ रही थी, कुछ लोग ऐसे थे जो गिव अप कर चुके थे, मुंह से ऐसे उल्टियां आ रही थी, ब्लड की उल्टियां, ऐसे सिर्फ उसमें व्हाइट में रेड रेड पैच दिखते हैं। कुछ ऐसे थे कि ऐसे पानी का बॉटल हाथ में है, उसका ढक्कन उन्होंने खोल के रखा था, पानी भी नहीं पी पाया था, ये सब पूरा बर्फ जम चुका था उनका और वो मर चुके थे। मुझे लगा वो जिंदा है, मैंने ऐसे जाके हिलाया, वो लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। इतना मुश्किल पल वो होता है, मैं भी खुश थी हील मार मार के जिससे नीचे, एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग, पूरा का पूरा प्रोस्थेटिक लेग ही निकल गया। एवरेस्ट में -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मैं ये मुट्ठी नहीं बांध सकती थी। आज मुझे इतना फुल ऑक्सीजन मिल रहा है, मैं भी चिल्ला के बात कर रही हूँ आराम से, मुट्ठी नहीं बन रही थी कि मैं अपने रोप को पकड़ पाऊं। शेरपा मेरे आगे, जो मेरा गाइड था शेरपा आगे था, मैं उसको भी नहीं बता पा रही थी, इसलिए क्योंकि एवरेस्ट में क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक शेरपा लोग क्लाइंबर को बोलते हैं कि चलो चलो, अगर वो नहीं जाता है तो लास्ट में उसको वहीं छोड़ देता है और खुद चला जाता भाग के। मैं इस डर की वजह से, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ दे वो चला जाए तो मैं रास्ता भटक के मर जाऊंगी, मैं नहीं बता पा रही थी। मैं अगर पैर उठाऊं तो मेरा आर्टिफिशियल लेग एकदम गिर जाएगा नीचे, ना पैर उठाऊं तो चलूं कैसे। बड़े मुश्किल से मुझे ऊपर में भी जो मिला था, जो ऑक्सीजन भी जो मिला था मुझे, उसमें भी एक छोटा सा, आपने पूछा नहीं मैं बता दूंगी बाद में, बड़े मुश्किल से लक भाग किस्मत जो भी था मुझे ऑक्सीजन मिला था। मैं, मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकलना शुरू हो गया और ऐसे घर की लैंग्वेज में मैं चिल्ला चिल्ला के बोली कि क्या भगवान ने तो मेरा पैर काट लिए। फिर दिमाग में माउंटेन, आज एवरेस्ट समिट भी कर लिया तो आप क्या चाहते हैं, जिंदा वापस ना जाऊं। दूसरे के पल आंसू को पोछा, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आंसू को पोछा और चिल्ला के बोला कि आपके पास जितनी ताकत है आप लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। हाथ जो मेरा ये जो मोड़ नहीं रहा था, इसको ऐसे करके मोड़ा है और रोप को पकड़ के दूसरे हाथ से प्रोस्थेटिक लेग पकड़ के पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया, क्योंकि यही रास्ता था। दूसरा ये था, जैसे और कुछ लोगों ने गिवअप किया था, मैं भी छोड़ देती। Now on hindsight, जब आप सोचते हैं कि एवरेस्ट के लिए क्या जरूरी था, was it physical endurance, training, fitness, or was it mental strength? सब कुछ दिमाग पे है, सारा कुछ मेंटल है। मेरे पास तो बहुत सारे बहाने थे, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, आर्टिफिशियल नहीं निकल रहा था, शेरपा बार बार बोल रहा था, एजेंसी का लेटर, ग्रुप का लेटर, सभी लोग बोल रहे थे मुझे, लेकिन मुझे यहाँ से था कि नहीं, मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना ही है। कोई कुछ भी बोले, किसी की परवाह नहीं थी मुझे। यहाँ तक कि जब ग्रुप के लीडर ने और एजेंसी के लीडर ने बेस कैंप से मेरे घर में फोन कर दिया,
कि अरुणिमा वापस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर उसका खत्म हो चुका है, वो मर जाएगी। मैम कितने बार को फोन कर दिया, सबको कर दिया था, लेकिन मुझे ये था करना था यहां से करने का कैसे काम नहीं मेरा पैर, उसको हम करवाएंगे जैसा चाहे बच्चे अपने शरीर को मोड़ सकते हैं यहां से अगर हम स्ट्रांग हैं। अगर शायद बेड पे हॉस्पिटल के बेड पे हमने ये सोच लिया होता कि अभी मैं तो विकलांग हो चुकी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तो शायद अपने घर के एक कमरे तक सीमित रहते, बैसाखी या नीचे ऐसे मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन हमेशा दिमाग से सोचा और किया, उसको सब कुछ दिमाग पर डिपेंड है। मैं टॉप की बात थोड़ी सी बताऊं कि जब मैं एवरेस्ट टॉप से नीचे उतर रही थी, जिस बात का शेरपा और मुझे डर था, क्योंकि शेरपा मुझे बार बार बोल रहा कि तुम्हारा ऑक्सीजन कभी खत्म हो जाएगा, 10-15 कदम 20 कदम ही हम नीचे आ रहे थे, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मैं ऐसे बर्फ में गिर गए, मैं नीचे से गिर गया, बर्फ में ऐसे मुंह दबा दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। मैं बार बार शेरपा को पकड़ पकड़ के, कि इतना बेचैनी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस चीज को। उसी 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था, 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं, और वेदर अपने आप पीक दिखना बंद हो जाता है और वेदर अपने आप खराब, विंड इतनी तेज होती है कि अगर हम अपने आप को एंकर करके नहीं रखते हैं तो विंड ही हमें उठा के फेंक देगा। और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, उनके पास 2 ऑक्सीजन था, जनरली सबके पास 2 होता, मेरे पास भी था 2, मैंने जाते वक्त ही ऊपर लगा दिया था। उन्हें एक को वहीं फेंका, दूसरे को लगाया और नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरे शेरपा जो था बहुत हेल्पफुल, जो हमारी 2 की टीम थी, जबरदस्त टीम थी हमारी दोनों, उसने जब देखा कि ऑक्सीजन, उसे फटाफट नीचे उतरा और ऑक्सीजन लेके आया और मुझे लगाया और खड़ा किया मुझे। मुझे बोल रहा कि अरुणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे इस हाइट पे ऑक्सीजन मिला। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस, वो लगातार ऐसे बोले जा रहा था, मैं चुप थी क्योंकि वो गुस्से में था और मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं बोल पाऊं कुछ। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहती, लेकिन न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, आपके अंदर जीतने का जज्बा है अगर आप, तो परिस्थितियों को इतना मजबूर आप कर देते हैं कि परिस्थितियां आपके हक में आने पे मजबूर हो जाती हैं। और मेरा पैर कटा कोई ये अच्छी बात नहीं थी, लेकिन कहते नहीं कि उस पैर कटे की अपॉर्चुनिटी बना दी। मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियों का पैर कटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कटता है, कटता है, लेकिन एक सच्चा साहसी, सच्चा दिलेर इंसान वही है कि जो अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना दे, अपनी प्रॉब्लम में ही अपना आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ले। मैंने सिर्फ वही किया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा विल पावर नहीं। ऊपर वाला सबके अंदर कुछ ना कुछ देता है, फर्क सिर्फ इतना होता है पहचानता कौन है। जिस दिन अपने अंदर की क्वालिटी हम पहचान गए कि हाँ हम में ये चीज है, और एक कदम आगे बढ़ाया, आप लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना शुरू कर देंगे। किसी पीक के लिए हम निकलते थे, सारे लोग जितने थे, तो वो सारे लोग मुझसे आगे निकल जाते थे हर बार। मुझे मतलब मन में ये चीज आता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान करके रखी हूं और मैं इनसे पीछे चल रही हूं, क्या होगा। पता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आपको, आपने बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेट सबको सुना, स्पीकर्स को सुना होगा, और चाहे मैं आके यहाँ चाहे कुछ भी आपको बताऊं, अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो मैं, जो एक पल मैंने लाइफ स्टोरी जो है वो आपको बताऊं, लेकिन सही मायने में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उस लक्ष्य को पाने, उस गोल को पाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहीं से मैं मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। हर बार जब वो लोग आगे निकल जाते थे तो मेरे दिमाग में यही बात चलता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान कर रही हूँ, ये छोटे से पीक को अच्छे से मेरे से पहले सबमिट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी। लेकिन खुद बार बार मैं खुद से प्रॉमिस करती, खुद को मोटिवेट करती थी, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशन कभी कभी ऐसे होते कि आप अकेले होते, कोई और नहीं होता है आपके साथ, मैं खुद से बोलती थी कि कोई बात नहीं अरुणिमा, तू ऐसे हालात में आज नहीं है कि तू आज इनसे अच्छा चल पाए या फिर इनके बराबर चल पाए,
लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे पहले पहुंचेगी। आपको यकीन नहीं होगा, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि पत्थर पर रस्सी रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तब मुझे, सच बताऊं कि मुझे वो बचपन में तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो चीज़ें अपने आप खुद पे बीतने लगी, मुझे समझ में आने लगा हाँ वाकई में होता है। पहले 5 किलो वेट, फिर 10 किलो, फिर 15, ऐसे से वेट बढ़ाते रहे, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा 35 किलो का वेट उठा के, और टॉप पे पहले 1-1.5 घंटे पहले टॉप पे पहुंचते थे, और वो जब मैं ऐसे करके देखती थी कि ये लोग आ रहे, खुशी होती थी, मन को एक तसल्ली पहुंचती थी कि आज मैं टॉप पे पहले हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब होती जब वो सारे आके मुझसे ये पता, मैडम खाते क्या हो, हद हो गई है, खाते क्या हो भाई आप, पैर भी नहीं है, हम लोग देख के अभी बेस कैंप में आप पैर पहन रहे थे, देखा पैर भी नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा चलते। मैं उनसे सिर्फ इतना बोलती, अपना जो गोल है उस गोल को रोज याद करते हैं और उसका रोज एक डोज लेते हैं, यही मैं हमेशा उनसे यही बात बोलती थी। सर या तो हम एवरेस्ट पे झंडा लहरा के आएंगे या मैं ही दफन हो जाएंगे। ये जज्बा कि क्या आप अपनी जिंदगी लगाने के लिए तैयार थी, ये कहां से आया? दिस ऑल और नथिंग गैम्बल, ये कहां से आया? एक्चुअली बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। जब तक हम अपने लाइफ में किसी भी चीज के लिए रिस्क नहीं लेंगे तो इतने आसानी से कुछ नहीं मिलता। उसके लिए अगर नो पेन नो गेन, अगर अपने दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। ये चीजें पूरी चीज समझ में मुझे आती है, ये सारी चीजें। तो अभी एक नए सूर्य से, एक बच्चे जैसे चलने से लेके एवरेस्ट तक की तैयारी मेरे लिए बहुत ही कठिन थी। तो और बाकी वो बीच बैतुकी पे जीना वो मुझे गंवाना नहीं था। उससे अच्छा तो ये था कि हम मर जाए, लोग मुझे दया की दृष्टि से देखें कि कोई मुझे लाके खाना दे, पानी दे, इस तरीके से, वो मुझे पसंद नहीं है। उससे अच्छा कि मर जाओ। तो ये डिसाइड कर लिया था कि या तो करो या मरो। सबसे पहले आप सभी आई थिंक मुझे सब यूथ ही दिख रहे हैं, दोनों चीजें यूथ ही है सब। देखिए आप नो डाउट आप अचीवर हैं तब यहां हैं, आप एक अचीव किए हैं इसलिए आप यहां पे हैं। किसी कंपनी का जो सबसे बड़ा पिलर और सबसे स्ट्रांग पिलर होते हैं इसके एम्प्लॉई, और आप एक कंपनी का मजबूत पिलर है। मैं यही कहूंगी सिर्फ कि आज जो आपने गोल अचीव कर लिया है सिर्फ वहीं पे मत बैठ जाइएगा, अपने जीवन में एक नए लक्ष्य तैयार करिए और उस गोल पर इतना फोकस करिए, इतना फोकस करिए कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए, बस और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। मैं एक 4 लाइन की पंक्ति सुनाऊंगी, वो मेरा फेवरेट है और इसीलिए मैं सुनाती भी, कि मैं उठ जाऊं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पता है ये मैंने सुनाया क्यों? क्योंकि एवरेस्ट सबमिट करने के बाद जब मैं इंडिया वापस आई थी तो बहुत सारे यूथ मुझसे लगातार जुड़ रहे थे, ऐसे ऐसे बच्चे जो चल भी नहीं सकते थे लेकिन वो बोलते मुझे भी कुछ करना है। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्ल्ड का जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 हाईएस्ट पीक को सबमिट करना है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 तो मैं सबमिट कर चुकी हूं। नेक्स्ट मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं जस्ट 12 अप्रैल को। आप सबका गुड विशेष चाहिए कि मैं सबमिट कर पाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच आ रही है इरादे, जो भी पहले आप लोगों के बीच में बांटने के लिए बुलाया गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय डॉक्टर साफ अजल बहराइच की डीएम मिसेज किंजल सिंह, और भारत का चौथा स्तंभ मीडिया वर्ग, और प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को अरुणिमा का सप्रेम नमस्कार।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि मेरा एवरेस्ट उस दिन पूरी तरीके से सम्मिट होगा जिस दिन मुझसे प्रेरणा लेके कोई और बच्चा कोई इस तरीके का काम करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो बहराइच के डीएम जी का जो ये प्रयास है बहुत ही अच्छा, कि दिल से खुश हो रही थी इस चीज को देख के, क्योंकि और भी जगह पे मैं गई हूँ, मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला था कि इतना अच्छा आप लोगों के बीच में प्रोग्राम ऐसा रखा और सबको की उससे प्रेरणा मिले और कुछ एंटरटेनमेंट भी आप करें। जो यहाँ के म्यूजिशियन अभी और जो गायक थे वो भी दिल से आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म था उनका भी, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज अपना रेलवे ट्रैक से और एवरेस्ट तक का सफर मुझे आप लोग जो रेलवे ट्रैक से और एवरेस्ट तक का जो सफर मुझे जितने स्ट्रगल भरी थी उसमें से कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने जरूर शेयर करूंगी, कैसे मैंने उन चीजों को और जो मेरी परेशानियां थी कैसे उस ओवरकम किया मैंने, कैसे उसको कैसे उससे हम लड़े हैं। रेलवे ट्रैक पे 11 अप्रैल 2011 की बात है ये, कि मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी तो जॉब इंटरव्यू था, तो कुछ बदमाशों ने मेरी चलती ट्रेन में, मैं जनरल कंपार्टमेंट में थी, चलती ट्रेन में मेरी गोल्ड चैन सोने की चैन पहन रखी थी, तो उन्होंने छीनने की कोशिश की थी। सबने अपना अपना दे दिया था, सिर्फ मैंने विरोध किया था कि नहीं मैं नहीं दूंगी। मेरे इस विरोध करने पे उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया था। उसी दौरान मेरा भाग्य कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, उसी दौरान दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ गई थी और मेरा ट्रेन का इंजन तो निकल गया था लेकिन डिब्बे में हम टकराए, फिर नीचे गिरे, मेरा एक पैर बाया पैर मेरे ट्रेन के नीचे चला गया और कट गया। मेरा दाहिने पैर में हड्डियां टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी, बहुत ज्यादा पेन था मुझे, लेकिन ये पेन था लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ, मतलब ये मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। मेरा बॉडी गर्म था, मतलब हीट थी, और मैंने ऐसे करके उठने की कोशिश की लेकिन जब मेरा कटा हुआ पैर पत्थरों में टकराया, छोटे छोटे पत्थर में टकराया, तो बहुत ज्यादा पेनफुल, मुझे लगा हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। वहीं पे मैंने अपने थाई को उठाया और देखा तो मेरा पैर कटा हुआ था और जीन्स में जूते के सहित शू के सहित में ऐसे लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था, तो मुझे लगा कि अब हम चल नहीं सकते। पूरी रात ऐसे दोनों हाथों में पत्थर लेके ऐसे पूरी रात ऐसे पड़े रहे पेट के बल हम, और ट्रेन कभी इधर से जाए कभी इधर से जाए, यहाँ तक कि लोग टॉयलेट वगैरह करते थे तो मेरे ऊपर पड़ता था, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर था कि मैं इसे पोंछ पाऊँ। बहुत चिल्लाए लेकिन कोई नहीं आया उस समय। उसके बाद मुझे गांव वालों ने सुबह गांव वालों ने देखा, फिर हॉस्पिटल मुझे पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में भी जब बरेली में मुझे ले जाया गया तो मुझे ऐसे ही बेड पे लेटा दिया गया, तो सब लोग ये वहाँ के डॉक्टर सी एम एस सारे लोग थे, तो सबको ये लग रहा था कि अभी कैसे इलाज हम स्टार्ट करें, फैमिली से भी कोई नहीं था, एनेस्थीसिया बिना दिए ऑपरेट नहीं कर सकते पैर। मैंने कहा कि एक्चुअली आपस में वो लोग पहले बात कर रहे थे कि कैसे बिना एनेस्थीसिया के हम इसका ऑपरेट करें, ऑक्सीजन ब्लड की ज़रूरत है, कैसे क्या करें। पता नहीं कहाँ से मुझ में भी हिम्मत आई, मैंने उनसे कहा सब सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने बर्दाश्त किया, तो अब तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काटिए। और उसके बाद मैंने ऐसे बेड का एंगल ऐसे पकड़ाया और अपना जो भी था उनके पास जो उन्होंने लगाया, मेरी इस बात को सुन के वहाँ के फार्मासिस्ट थे मिस्टर बीसी यादव, उन्होंने अपना एक यूनिट ब्लड भी मुझे दिया और फिर मेरा पैर काटा गया। फिर मैं उस समय बेहोश हो गई, होश जब आया तो वार्ड में थी, और उसके बाद मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम उस समय नहीं थे लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो अब मिस्टर अखिलेश जी, तो वो उस समय गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से अच्छा इलाज लखनऊ ट्रॉमा में होगा, और वो लखनऊ में मुझे KGMC लखनऊ ट्रॉमा में मुझे एडमिट कराएगा। एक दिन वहाँ रहे, फिर पीएमओ के आदेश पे मुझे
वहाँ से एम्स ट्रामा सेंटर दिल्ली ले जाया गया। फिर वहाँ पे मैं करीब 4 महीने रही। एक आदमी का जिसका पैर कट गया, एक प्लेयर का जिसका पैर कट गया हो, वो अंदर से पूरे शरीर का एक अंग कट चुका है, पूरी तरीके से टूट चुके थे। स्पाइन में भी मेरे 3 फ्रैक्चर था, कमर में 3 फ्रैक्चर था, ये सब पूरा फटा हुआ था, हाथ में फ्रैक्चर था, दूसरे पैर में भी मेरे रॉड है, एक मेरा बाया पैर कटा हुआ, आर्टिफिशियल लिम्ब लगा हुआ उस पर। एक प्लेयर का पैर कट चुका, शरीर का एक अंग कट चुका, वो पूरी तरीके से टूट गया। मैम भी, हम भी उसी तरीके से पूरी तरीके से टूट गए थे, लेकिन ये था, जीना तो था। ये सोच लिया था कि अब ऐसे नहीं, चाहे कुछ भी हो। और बहुत सारे, जब मैंने हॉस्पिटल के, आप लोग को यकीन नहीं होगा, जब लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद या फिर हॉस्पिटल में जब रहते हैं, जब लोग ये सोचते हैं मुझे आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे अपना जीवन चलाना है, उस दौरान मैं एवरेस्ट के बारे में सपना बुन रही थी कि मुझे एवरेस्ट जाना है। और हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल के बेड पे मेरा आर्टिफिशियल पैर भी नहीं लगा था, तो मैंने जब अपने परिवार वालों के सामने ये प्रपोजल रखा कि मुझे एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, तो हमारे भाई साहब ने मेरे पे विश्वास किया। एक बार माँ थोड़ी सी, माँ बोली एवरेस्ट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मैंने कहा माँ अगर मेरे उसमें बाधा मत बनो, आप सिर्फ मेरा साथ दो, मुझे करने दो, आप, हम आपको करके दिखाएंगे। फिर उन्होंने मेरा पीठ पे हाथ रखा और कहा कि जरूर, अगर तुम्हारा ये डिटर्मिनेशन तुम्हारा ये है तो मुझे जरूर तुम कर पाओगी। परिवार मेरे साथ में था, लेकिन जब मैंने किसी और से भी ये चीज़ें, कई लोगों से मैंने ये चीज़ें जब कही तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि वो एक पैर ही नहीं है और लड़की सपने देख रही है एवरेस्ट जैसे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का। गलती उनकी नहीं थी, मेरी स्थिति ही, सिचुएशन ही ऐसी थी उस समय कि कोई भी मेरा मजाक उड़ाता। लेकिन जब भी उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने सिर्फ यही सोचा कि उनकी सोच सिर्फ उतनी है इसलिए वो इतना ही सोच रहे हैं, लेकिन मेरी सोच क्या है, मेरे अंदर क्या आग जल रहा है, ये वो नहीं समझ रहा था। और यही सोचा कि ठीक है आपकी सोच इतनी, आप सब यही करो, लेकिन मुझे आगे जाना है। अभी एवरेस्ट का प्लानिंग बना लेने में और करने में बहुत अंतर होता। हॉस्पिटल के बेड पे मैंने कहा भैया से कि भैया अब क्या करेंगे, तो भैया ने कहा कि अगर तुम्हारा सच्चा विश्वास है, सच्ची लगन है, तो तुम जरूर कर पाओगी। उन्होंने ही आइडिया दिया, भारत की पहली महिला मिस बछेंद्री पाल, जो 1984 में क्लाइम किया था एवरेस्ट, उन्होंने कहा कि उनसे मिलते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम डायरेक्ट उन्हीं से जमशेदपुर मिलने जाते हैं, झारखंड। डिस्चार्ज होने के बाद बछेंद्री पाल के पास जाएंगे और हम लोग पहली बार, मैं हैंडीकैप कंपार्टमेंट में आज तक कभी नहीं बैठे थे, पहली रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था। पहली बार मैं दिल्ली से रेलवे, दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम, हमारे बड़े भाई साहब दोनों जन हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के गए जमशेदपुर, और बहुत रोए हम, पूरी रात रोए थे, सीट में मुँह छुपा के कि आज मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है, बहुत रोए थे। सुबह रेलवे स्टेशन पे, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन से मैंने उनको, मैम को फ़ोन किया कि मैम हम आ गए हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अभी कल डिस्चार्ज हो रही है, आज जमशेदपुर, मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया और जब मुझे देखा, उन्होंने मेरा कटा हुआ पैर देखा और पैर में, दाहिने पैर में स्टिचेस लगी थी, उन्होंने देखा जब, तो कहा कि अरुणिमा तुमने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा, तो तुमने तो अपने अंदर एवरेस्ट पता कर लिया, अब तो सिर्फ दुनिया के लिए है। और मेरी हिम्मत और बढ़ी कि मैंने कहा, फिर भी उन्होंने ये एक बात और कही कि अरुणिमा तुम्हारे सोच लेने से कुछ नहीं होता, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो। हमने कहा मैम बस एक बार मुझे मौका दीजिए आप, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है फिर आओ उत्तराखंड में और करके तुम दिखाओ। उत्तराखंड में ट्रेनिंग के दौरान नॉर्मल आदमी को पहाड़ों में चलने में कितनी दिक्कत होती है, मुझे कितनी दिक्कत हो रही थी वो तो सिर्फ हम समझ सकते हैं, या ऊपर वाला, मेरे राइट लेग में स्वेलिंग आ जाती थी, लेफ्ट आर्टिफिशियल पैर से जो कटा हुआ स्टंप है उससे ब्लड निकलने लगता था। स्टार्टिंग दौर में मेरे साथ सारे लोग नॉर्मल थे, ट्रेनिंग में तो होता क्या था, बेस कैंप से हम लोग साथ निकलते थे, लेकिन
स्टॉप के लिए जब निकलते तो वो लोग हमसे पहले 2-3 घंटे पहले पहुंचते, हम तो कभी कभी पहुंचते ही नहीं थे। और लेकिन हर बार ये जरूर सोचते, हर बार ये संकल्प लेते थे एक दिन ऐसा आएगा कि हम उनसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन के लिए आते थे और हम कंटिन्यू ट्रेनिंग करते थे। और हर बार मेरा विश्वास, हर बार हम यही अपने अंदर एक संकल्प लेते कि एक दिन आएगा कि हम आगे जाएंगे। और एक दिन जब ऐसा हुआ कि हम उनसे आगे पहुंचने लगे टॉप पे, और वहाँ पे पॉलिथीन वगैरह बिछा के बैठे रहते थे, वो लोग जब हमसे आके ये पूछना शुरू कि मैडम आप खाते क्या हो, तब मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मेरा विश्वास और बढ़ा। स्टार्टिंग दौर में ट्रेनिंग में मेरा आर्टिफिशियल लिम के स्टम्प से मेरा प्लिस्टर होता था, प्लिस्टर की वजह से, उसमें फ्रिक्शन की वजह से कई बार फिर हमने खोल खोल के देखा ब्लड निकलने लगता था, खोल खोल के रास्ते में देखा मेरा टाइम वेस्ट, वैसे ही मैं लेट रहती थी और उसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। उसके बाद मैंने उसको खोलना बंद कर दिया, वो फ्रिक्शन की वजह से उसमें ब्लड निकलता और कंटिन्यू घाव बन जाता था पूरा। जब हमारा जो टारगेट रहता था उसमें जब कैंप के अंदर हम पहुंच जाते थे तो जब उसको निकाल के साफ करते थे, कभी कभी मैडम भी हमारे साथ में रहती थी, वो देखती और कहती है अरुणिमा ऐसे ही घाव बर्दाश्त कैसे करती है। मैंने कहा मैम जब मेरा सपना एवरेस्ट का है, मैं एक छोटा सा घाव नहीं बर्दाश्त कर सकती। और फिर हम यही सोच के फिर आगे बढ़ते रहते थे कि कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन करेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद फाइनली मेरा ट्रेनिंग का कंप्लीट हुआ और एवरेस्ट का भी आ गया। बहुत एकदम नया था मेरे लिए, लास्ट ईयर जो लोग करके आए थे मुझे बता रहे थे कि बहुत टफ है अरुणिमा, हम लोगों के लिए तो तुम्हारे लिए कितना टफ होगा। तो कहीं ना कहीं से डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी यही सोचते थे जो मुझ में है वो इनमें नहीं है, मैं कर लूंगी जरूर से जरूर, अपने आप को ही मोटिवेट करते थे। और उसके बाद जब हम एवरेस्ट में इतनी दिक्कतें आई, आर्टिफिशियल लिम था मेरा पैर, तो जब हम फ्रंट पॉइंटिंग मारते थे क्रैम्पोन होता, अगर आपने कभी माउंटेनिंग में कभी उसके इक्विपमेंट्स देखे होंगे आप लोगों ने अगर, तो एक क्रैम्पोन होता उसमें ऐसे कांटे लगे होते आगे, तभी हम आइस पे चल पाते। फ्रंट पॉइंटिंग हम जब मारते थे मेरा पैर मूव हो जाता था, और एक बार तो जाते वक्त मेरा एक बार पैर ही निकल गया और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, फॉरनर भी थे और इंडियन भी थे, तो लोग चिल्लाना शुरू कर रहे कीप मूविंग कीप मूविंग, मैं कैसे चलती, मेरा पैर निकल चुका, प्लीज। लास्ट में मैंने चिल्ला के बोला कैसे जाऊं मैं, मेरा पैर निकल गया है, आर्टिफिशियली मेरा निकल चुका था। मैं क्या, आंखों में मेरे आंसू आया और पैर को ऐसे पकड़ के साइड में हाथों से खिसक खिसक के उसके बाद साइड में गए, पैर को सही किया और फिर तब भी आगे बढ़ा। विश्वास नहीं बन पा रहा था उस पैर पे कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, पैर पे विश्वास नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी हम चलना शुरू किए। और एक जगह वहाँ पे बालकनी है, वहाँ बालकनी में काफी पुरानी डेड बॉडीज आज भी पड़ी हुई हैं, किसी का हाथ दिख रहा था, किसी का पैर दिख रहा था। मेरे जाने से करीब 2-3 घंटे पहले की बात है, एक बांग्लादेशी जिस रोप में हम जा रहे थे उसी रोप में वो मरा हुआ पड़ा हुआ था, मतलब मरे हुए थे, ये मुझे नहीं पता वो क्लाइम करके वापस आ रहे थे या फिर क्लाइम कर जाने जा रहे थे, ये मुझे नहीं पता। एक बार हम जब देखे वहां तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज के लिए ये लोग मर चुके हैं। अच्छे एवरेस्ट ऐसा है कि अच्छे अच्छे माउंटेनियर के हौसले पस्त कर देता है, तो हम तो बहुत छोटे से थे। और फिर भी मैंने यही कहा उन लोगों से कि आज जितने भी लोग यहाँ मतलब पड़े हुए हैं, अगर सबने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लाइम किया है मैं आप लोगों के लिए सबके लिए क्लाइम करूंगी और जिंदा वापस आऊंगी। और हम आगे गए, चलना शुरू किया साउथ कैंप 4 साउथ समिट, जब कैंप 3 से कैंप 4 दिन को 1 बजे पहुंचे, शाम को 4 बजे फिर मैंने 20 मई को फिर मैंने शुरू किया लास्ट समिट का। उस दौरान साउथ समिट मतलब हिलेरी स्टेप के जस्ट आगे एक साउथ समिट, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा था और मैं 7 ऑक्सीजन सिलेंडर ले चुकी थी, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर मेरा खत्म हो रहा था,
मेरा शेरपा बोला कि अरुणिमा वापस चलो, और नीचे से एजेंसी के लीडर ने भी वॉकी टॉकी पे कहा अरुणिमा वापस आ जाओ। जब उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ, सामने समिट दिखने लगा था। हमने कहा क्या बात आप कर रहे हैं, मैं वापस चलूं कभी नहीं जाऊंगी। और मैंने उनको कह के शेरपा भी मेरे पे गुस्सा करने लगा कि नहीं जाओगी तुम्हारी डेथ तय है। वाकई में सामने समिट दिख रहा था और देश के फ्लैग लगे हुए थे। देशभक्ति होती क्या है मुझे वहां जाके पता चला कि और देश के झंडे हैं, मेरा तिरंगा क्यों नहीं। और उसके बाद मैंने अपना पैर एक कदम आगे बढ़ा दिया और हम चलना शुरू किए। शेरपा गुस्सा के मुझ पे, मैं पीछे पीछे चलना शुरू किया। कहा कि रणिमा तुम्हारे पास सिलेंडर, क्योंकि उतने एक ही सिलेंडर मतलब थोड़ा ही बचा था, इतना था। मैंने उनसे यही बोला कि मेरे पास इतना ऑक्सीजन सिलेंडर तो है कि मैं अपने देश का तिरंगा वहां लगा पाऊं और ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम लेके आ पाऊं। और हम अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम गए सबमिट किए, बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि जो मेहनत किया था मैंने और जो लोगों की आलोचनाएं, उन आलोचनाओं ने जो भी मेरे आलोचनाएं इसमें मेरा आज जो पूरी दुनिया मुझे, मैं उन लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था कि अगर आज वो आग मेरे अंदर ना पैदा करते तो आज मैं कभी नहीं पहुंच पाई। सबको धन्यवाद किया वहां पे पहुंच के। बहुत खुशी हो रही थी, बस ये मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूं। और उन लोगों को बता दूं जिन्होंने मेरी आलोचना की थी, सबको बहुत खुशी हो रही थी। आप लोग, कुछ लोग भाग्य और लक मानते हैं लेकिन हम नहीं मानते, ना ही भाग्य ना ही लक। क्योंकि मेरा मानना यह है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। बहाने 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 बहुत हैं, कह रहे मेरा लक नहीं साथ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा आके पूछे बोल बंदे तेरी जजा क्या है। और अगर आप लोग वही चीज के, अगर आप लोग अपने टारगेट के प्रति जुनून, एकदम जुनून बना दो उसको, कुछ भी चीजें नहीं दिखनी चाहिए। हम आप लोगों को बताएंगे जब एवरेस्ट का मैं ट्रेनिंग ले रही थी, जो घर में मैं बीच बीच में ट्रेनिंग के दौरान घर आते थे, हम सोते सोते रात में उठ जाते थे। जैसे कि अभी मैम ने आप लोगों से कहा भी था कि देखिए सपने दो प्रकार के होते, एक जागती आंखों से सपना देखता है, एक सोती आंखों से आदमी सपना देखता है। लेकिन सोती आंखों से देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता, और जागती आंखों से जो आदमी सपना देखता है, और वो सपना जब आपको सोने ना दे तब आप समझना कि अपने लाइफ में टारगेट के प्रति आप सही जा रहे हो। बालकनी जब जहां पे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी वहां पे भी मेरा दो बार आर्टिफिशियल लिम निकला। 0 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है वहां पे, अबव 45 उस समय था जब हम वहां थे। तो मेरा एक्चुअली ब्लड की वजह से जो सिलिकॉन जेल है वो गीला हो गया था, पैर मेरा गीला हो गया था तो वो स्किन को छोड़ दे रहा था, तो वो पूरा का पूरा पैर स्लिप हो गया था मेरा। शेरपा मुझे बोल रहा कि चलो, फिर मैंने बोला कि सर मेरा पूरा पैर निकल गया, मैं कैसे चलूं। फिर वही चीज़ आंखों में आंसू आया। एक बार बोला भी मैंने उनसे कि भगवान एक तो पैर काटे हो अब और भी काटोगे, सोचा ऐसे ही। लेकिन फिर दूसरे पल यही सोचा ठीक है आपके अंदर जितनी ताकत है आप लगा लो, मेरे अंदर जितनी ताकत है मैं लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो पूरा अपना 100% दूंगी, मैं जिंदा वापस जाऊंगी। और उसके बाद मैंने एक पैर से अपने ऐसे, एक हाथ से मैंने ऐसे पैर पकड़ा है, दूसरे हाथ से रोप को पकड़ा है और पैर को घसीटते हुए नीचे तक हम आए हैं। पूरे पैर से ब्लड निकल रहा था और रॉकी फेस था, उस रॉकी फेस ने फिर घुसे, फिर पैर को खोला। जब पैर को खोला उन्होंने, जब मैंने खोला तो जो हमारे शेरपा थे उन्होंने देखा, कहा कि अरुणिमा ब्लड निकल रहा है इतना सारा, तुम इस वजह से धीमे चल रही थी। मैंने कहा जी सर। तो वो बोले कि अभी कुछ भी हो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, अगर मुझे साथ में मरना तो मैं भी साथ में मरूंगा लेकिन आगे नहीं जाऊंगा, साथ में ही रहूंगा। तो मेरा और भी हिम्मत बढ़ा, हमने कहा नहीं सर ऐसे नौबत नहीं आने देंगे हम चलेंगे।
और ऐसे किसी किसी वहाँ पे और लोग भी जैसे थे तो ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा था, वहाँ पे ऐसे लोग बैठ रहे हैं तो बैठे रह जा रहे हैं और ऑक्सीजन खत्म है, रोप पकड़ के कोई इधर गिर रहा कोई उधर गिर रहा है। उन्होंने बोला, मैंने पूछा भी हमने कि सर ये कैसे वापस जाएंगे, उन्होंने बोला कि अगर जल्दी से जल्दी ये नीचे नहीं गए इनकी डेथ तय है। और फिर हम जल्दी जल्दी भाग के नीचे आए। और तो आज आप लोगों के बीच में ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये कहा है कि जिंदगी में परेशानियाँ बहुत आती है, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम आप करने जाओगे दिक्कतें बहुत आएंगी, और अगर दिक्कतें ना आए तो उस चीज की कीमत भी आप नहीं समझोगे। और जब वो मेहनत के बाद उन दिक्कतों के बाद जब हम हासिल करते हैं अपना जब लक्ष्य पाते हैं तो बहुत खुशी, वो आनंद ही कुछ और होता है। आज आप लोगों के बीच में एक जो पूरी दुनिया आज मुझे जान रही है, आप लोगों के बीच में मुझे बुलाया गया अपना एक्सपीरियंस बांटने के लिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कि वो चीज़ें बता के कि कैसे कैसे परेशानियाँ हुई और कैसे कैसे हम आप लोगों के भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हर आदमी हर बच्चे से हम आप लोग से यही कहेंगे, हर लोग अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसके पर फोकस करें। और जो बहराइच की डीएम है श्रीमती किंजल जी, इनको भी आप लोग जो इनका प्रयास है, इनको भी जैसे ये प्रयास कर रहे हैं इनका भी आप लोग साथ दीजिए और करके दिखा दीजिए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम और आगे जाएंगे। और आप लोग मुझे विश्वास है कि अगली बार जब प्रोग्राम आप रखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ की हस्ती की रखेंगे। बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और एक बार फिर से मैं बहराइच की डीएम श्रीमती किंजल जी और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग इतने अच्छे से सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अगर मैंने, क्योंकि मैं भी बहुत बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय फताका फहराने वाली सुश्री अरुणिमा जिन्हा के विचार अभी आपने सुने।